ईशान को सता रही है सवी की याद, कैसे बताए रीवा को नहीं करना चाहता है उससे शादी। वेल दोस्तों, अगर हम बात करें स्टार प्लस के मोस्ट पॉपुलर शो गुम है किसी के प्यार में के बारे में, तो शो के अपकमिंग ट्रैक में आप देखने वाले हैं कि ईशान काफ़ी ज़्यादा परेशान है रीवा को ये बताने के लिए कि वो उससे शादी नहीं करना चाहता है क्योंकि वो करता है सवी से प्यार। वहीं पर दूसरी तरफ आप देखने वाले हैं कि भंवर जो है सवी के प्यार में पड़ गया है और उसके लिए कुछ ना कुछ स्पेशल करता ही रहता है। कभी मिसल पाव लेकर आना तो कभी सभी के लिए फूल पौधे भेजना, बहुत ज्यादा ध्यान देने लग गया है भंवर सभी का। लेकिन सभी को यह समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार भंवर ऐसा क्यों कर रहा है। वहीं पर दूसरी तरफ सभी को भी ईशान की याद सता रही है, ईशान के बारे में सोच रही है सभी। अपकमिंग ट्विस्ट की अगर हम बात करें तो अपकमिंग ट्विस्ट में आप देखने वाले हैं कि ईशान और रीवा शादी की शॉपिंग के लिए जाते हैं, जहाँ पे ईशान जो है रीवा को सच बताने की कोशिश करता है कि मैं तुम से नहीं बल्कि सभी से प्यार करता हूं और मैं उसी से शादी करना चाहता हूं, मैं तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहता हूं, लेकिन अब मेरे पास कोई और ऑप्शन भी नहीं है। ये सारी बातें काकुसा सुन लेती है रीवा की जगह पे, लेकिन ईशान को ऐसा लगता है कि ये सब रीवा सुन रही है। जब ईशान कर्टन हटाता है तब उसके पीछे काकुसा खड़ी होती है और ईशान शॉक्ड हो जाता है काकुसा को देखकर। फॉर टॉप सीरियल्स ऑन सेट्स टू पर्सनल इंटरव्यूज एंड फन सेगमेंट्स विद एक्टर्स, सब्सक्राइब टू टेलीबाइट्स राइट अवे।